देखिए टेक्निकली क्या कहा जाता है कि अगर आपकी हाइट 5.6 इंचेस या उससे कम है तो आपको करीबन 790 mm मतलब मिलीमीटर की सैडल हाइट वाली बाइक लेनी चाहिए। अभी सैडल हाइट क्या होता है वो आपको मैं बताता हूँ। लेकिन अगर आपकी हाइट 5.6 से ऊपर है मतलब 5.7 5.89 है तो फिर आपको 800 mm की सैडल हाइट वाली बाइक आप कंफर्टेबल लेकर चला सकते हो, ऐसा टेक्निकली कहा जाता है। लेकिन ये भी होता है कि अगर उससे भी कम हाइट है तो लोग काफ़ी आसानी से गाड़ियाँ चलाते हैं। फिर बात आती है कि उनकी ड्राइविंग स्किल और उनका एक्सपीरियंस। आप एक्सपीरियंस कब से कैसे होगा आपको, जब आप बाइक कोई भी बाइक लोगे और उसको चलाओगे, उसको चलाने की ट्राई करोगे तभी एक्सपीरियंस आना है। तो मेरा ये मानना है कि अगर लेनी है बाइक तो चलो ठीक है, एक दो बार जाके आप लोग देख लो मतलब कैसा क्या क्या कर सकते हो उसमें, वो सब देख के बाइक बाइक खरीद लो और बस शुरू हो जाओ। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बनाने का एक मकसद है। मेरे एक सब्सक्राइबर भाई ने कल एक कमेंट मुझे दिया था कि भाई आपकी हाइट कितनी है, बहुत जेन्युइनली पूछा था उसने मुझे। उसकी भावना को समझता हूँ मैं, पता नहीं क्यों मतलब मुझे ऐसा लगा अभी ही इज़ अ पार्ट ऑफ माई फैमिली, ऑफकोर्स ही इज़ अ पार्ट ऑफ आवर यूट्यूब फैमिली, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको उसके लिए एक वीडियो अलग से बनाते हैं। ऑलरेडी एक वीडियो हाइट के ऊपर मैंने बनाया है, कम हाइट वालों वाले जो राइडर हैं उनके लिए एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। लेकिन फिर भी उस कमेंट की वजह से मुझे लगा कि हाँ एक और वीडियो बनती है। तो अगर आपको क्लासिक या बुलेट कोई भी गाड़ी चलानी है तो जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कुछ आफ्टर मार्केट जो सॉल्यूशन होते हैं, जैसे कि अपन उसको कहेंगे कि इंडियन जुगाड़, तो उस जुगाड़ से आप ज़रूर मतलब काफ़ी बाइक की हाइट कम कर सकते हो। सीट हो गया, शॉक अब्जर्वर हो गया और उसके टायर्स हो गए, तो इनसे काफ़ी फ़र्क पड़ता है और फिर आराम से आप चला सकते हो। अभी आप ये देख लो कि मेरी हाइट जो है वो 5.4 इंचेस है और फिर भी मैं कंफर्टेबली चला पाता हूँ गाड़ी। तो एक्चुअली ना गाड़ी चलाना ये डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग स्किल के ऊपर कि आप मतलब हाइट अगर कम भी है तो आप कैसे उसको मैनेज करके गाड़ी चलाते हो, और दूसरा है आपका पैशन उसके ऊपर। मैंने देखा है, मैंने काफ़ी कम हाइट वाले लोगों को भी देखा है एकदम कंफर्टेबली ड्राइव करते हुए। जो मतलब आफ्टर मार्केट जो कुछ भी सॉल्यूशन है, जैसे कि अपना सीट जो बकेट सीट बिठाते हैं लोग, थोड़ा हाइट कम हो जाता है उससे, ये सब करके आप ट्राई करके देख लो। गाड़ी अगर लेनी है तो क्लासिक क्लासिक है, बुलेट बुलेट है, अच्छी है गाड़ी एक्चुअली, जिसको आप मतलब हाईवेज पे भी और सिटी में भी चला सकते हैं, ऐसी क्लासिक है तो ट्राई कर लो। मैं एक बार आपको फिर एक बार दिखाता हूँ मैं एक्चुअली क्या होता है इसका सीन क्या है मतलब हाइट का। देखो दोस्तों ये होता है सैडल हाइट, सीट से लेके ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस होता है ना उसको बोलते हैं सैडल हाइट। तो रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 की सैडल हाइट है 800 mm। तो ठीक है, दैट्स इट गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना और कमेंट्स कमेंट्स प्यारा सा एक छोड़ देना, उससे काफ़ी ताकत मिलती है आपके कमेंट्स कमेंट से।